एवरीबॉडी, आई एम शोभत एंड वेलकम टू स्मार्टवाइजर। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ रियलमी वॉच S100। तो ये जो वॉच है ना, मैंने फ्लिपकार्ट से 2000 रुपीज की परचेज की है एंड इसका रेगुलर सेलिंग प्राइस 3000 रुपीज है। तो पिछले 2-3 दिनों से ना मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप कन्फ्यूज हैं कि इस वॉच को लेना चाहिए या नहीं, तो मेरी वीडियो को जरूर एंड तक देखना, मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन में ना वो दूर कर दूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है एंड यूजफुल लगती है ना, तो लाइक ज़रूर करना एंड अगर आप मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे ना, तो भगवान आपको दुआ देगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करें सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये है Realme Tech Life Watch S100 का बॉक्स एंड ये मैंने ब्लैक कलर के अंदर ऑर्डर किया है। तो इसके अंदर हमको 1.69 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, स्किन टेम्परेचर मेजर करने का ऑप्शन है, ब्लड ऑक्सीजन एंड हार्ट रेट मॉनिटर है एंड इसके अंदर आपको 24 स्पोर्ट्स मोड मिल जाएंगे, 110 प्लस वॉच फेसेस है एंड 12 डे का बैटरी लाइफ है। तो फटाफट से बॉक्स को जो है हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स को ओपन करते ही सबसे ऊपर आपको वॉच मिल जाती है एंड इस वॉच की पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, कॉम्पैक्ट सी है एंड यहाँ नीचे की साइड आपको एक चार्जिंग केबल मिल जाती है जो कि USB टाइप ए एंड दूसरी टाइप मैग्नेटिक कनेक्टर है एंड साथ में ही आपको यूजर मैनुअल मिल जाती है, बाकी और कुछ आपको बॉक्स में नहीं मिलता। ऑलराइट, तो बॉक्स में से जैसे ही आप इस वॉच को बाहर निकालेंगे ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। इसका वेट सिर्फ 34 ग्राम्स है एंड ये 16 mm थिक है, बट राउंडेड कॉर्नर्स होने की वजह से ना ये इतनी ज़्यादा मोटी नहीं लगती है, काफ़ी अच्छी इसकी बिल्ड है। बट यहाँ पे जो स्ट्रैप्स है ना वो मुझे काफ़ी पुअर क्वालिटी लगे एंड काफ़ी लाइट वेट है, इससे बेटर स्ट्रैप्स होते तो ज़्यादा अच्छा होता है। एंड ये स्ट्रैप्स 20 mm के हैं तो रिप्लेसेबल हैं, आपको सिंपली यहाँ से इनको रिमूव करना है तो आप ईजिली कर सकते हैं एंड अच्छी क्वालिटी के स्ट्रैप्स यहाँ पर लगा सकते हैं। तो बैक एंड साइड के ऊपर ना आपको कुछ सेंसर्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर है, SpO2 मॉनिटर है एंड यहाँ पे ये जो आप सिल्वर वाला देख रहे हैं ना, ये बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर है एंड ये मैग्नेटिक पिन कनेक्टर्स है चार्जिंग के लिए। बाकी वॉच की क्वालिटी 2000 रुपीज़ के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी है, बट 3000 रुपीज़ के हिसाब से ना जस्ट एवरेज है। वॉच की क्वालिटी पे मत जाओ, आगे हम बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की जो कि 1.69 इंचेस की है एंड इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी मुझे। ऑल दो इसके अंदर TFT डिस्प्ले है, बट यहाँ पे जो क्वालिटी है ना वो काफ़ी अच्छी है एंड जो इसके अंदर ब्लैक्स है ना वो बहुत ही प्रॉपर ब्लैक्स दिखते हैं। एमोलेड वाली तो नहीं है, ना ही आपको इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलती है, बट मेरे हिसाब से क्वालिटी मुझे इंप्रेसिव लगी। तो यहाँ पे अगर मैं फंक्शनैलिटी की बात करूँ, तो अगर आप लेफ्ट से राइट स्वाइप करते हैं तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंटर मिल जाएगा, जहाँ पे आपको नाइट मोड मिल जाता है, स्क्रीन ब्राइटनेस को ज़्यादा या कम करने का ऑप्शन मिल जाता है, रेस टू वेक का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि जैसे ही आप अपने रेस्ट को ऊपर लेके आएंगे या ट्विस्ट करेंगे तो आपकी स्क्रीन जो है वो ऑन हो जाएगी टाइम देखने के लिए। एक टॉर्च मिल जाती है जिसको आप ऑन करके अंधेरे में यूज़ कर सकते हैं एंड एक सेटिंग्स का ऑप्शन है जहाँ पे आपको अलग अलग डायल्स मिल जाएंगे। तो इस वॉच के अंदर ना प्रीसेट ऑलरेडी 4 डायल्स है, बाकी आपको 110 प्लस वॉच फेसेस मिल जाते हैं रियलमी फिट एप्लीकेशन के अंदर, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड यहाँ पे सेटिंग्स में आपको वही ब्राइटनेस लेवल, स्क्रीन टाइम आउट का भी ऑप्शन मिल जाता है एंड यहाँ पे थीम्स भी है कि आपको किस तरीके की थीम लगानी है, ग्रिड लगानी है या लिस्ट, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से इसकी जो टच है ना वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड यहाँ पे आप वाइब्रेशन का फीडबैक जो है ना वो भी सेट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे मीडियम ही सेट किया हुआ है। डो नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है, रेस टू वेक का ऑप्शन है, पावर ऑन एंड ऑफ एंड रीसेट का ऑप्शन है। बाकी अगर आप राइट से लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टेप्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको कैलोरीज, कितनी आपने बर्न किया, कितनी देर वर्कआउट किया एंड ऑल। यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर भी आपको मिल जाता है, जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर आप अपने स्किन का टेम्परेचर एंड बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो इसको मेजर करने के लिए ना ऑलमोस्ट 15 सेकेंड्स लगते हैं एंड आपको यहाँ पे अपने हैंड्स को स्टिल रखना होता है। मेरे हिसाब से जस्ट ओकेश है, इतना ज़्यादा मेडिकल ग्रेड तो नहीं है, तो आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा, बट एकदम एग्जैक्ट तो मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा। बाकी यहाँ पे स्लीप मॉनिटर ज़रूर आपको देखने को मिल जाता है, हार्ट रेट मॉनिटर है, यहाँ पे वेदर के भी आपको फोरकास्ट देखने को मिल जाता है, प्लस यहाँ पे म्यूज़िक कंट्रोल भी आप कर सकते हैं। और अगर आप ऊपर से नीचे स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे सारी नोटिफिकेशन आ जाती है एंड इस नोटिफिकेशन को सेट करने के लिए ना आपको रियलमी फिट एप्लीकेशन को यूज़ करना है कि आप किस किस एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन यहाँ पे चाहते हैं। तो अगर आप ऊपर से नीचे स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर, वर्कआउट, एक्टिविटी का रिकॉर्ड्स, हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2 मॉनिटर एंड यहाँ पे स्टेप्स और कितनी आपने स्लीप लिया है। एंड इसी वॉच से अलार्म को भी सेट कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी स्टॉप वॉच एंड आपको यहाँ पे टाइमर भी मिल जाता है जिसको आप अपने वर्कआउट के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था इसके UI के बारे में एंड ये जो वॉच है ना हैंड्स के अंदर काफ़ी अच्छी लगती है, तो अगर आपकी जो रेस्ट है वो स्मॉल है उसके ऊपर भी अच्छे से फिट हो जाएगी एंड लार्ज है तो ऑब्वियसली वॉच की जो साइज़ है वो एकदम परफेक्ट है, आपके लार्ज साइज़ की वॉच जो है ना वो भी आपके रेस्ट के ऊपर सूट करेगी इसकी कर्व डिज़ाइन की वजह से।
बट यहाँ पे स्ट्रैप्स थोड़े से बेटर होते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता। बाकी स्ट्रैप्स को लॉक करने के लिए ना यहाँ पे आपको एक रबड़ मिल जाता है जिससे आपकी स्ट्रैप जो है वो हिलेगी नहीं बार बार जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं। एंड ये IP68 वाटरप्रूफ रेटिंग के साथ आती है, तो अगर आप इसको स्विमिंग करते टाइम भी यूज़ करते हैं ना तो ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी। बट ज़्यादा गहराई में मत जाना, सिर्फ 10 मीटर्स तक ही सपोर्ट करती है। सो इस वॉच का जो बैटरी बैकअप है ना आपको ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन का आ जाएगा अगर आप एक मीडियम यूज़र हैं। तो यहाँ पे मैं इस वॉच को 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, मैंने आते ही 100% चार्ज कर लिया था। तो इस वक्त इसकी जो बैटरी है वो 89% हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 2 दिन के अंदर अगर 11% ही कम हुई है ना तो आराम से आपका 10-12 दिन तो बहुत ही ईजिली निकाल देगी मीडियम यूज़र के साथ। एंड अगर मैं इसकी एक्यूरेसी की बात करूँ तो यहाँ पर जो स्टेप काउंटर है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे आया है। एंड जो स्लीप मॉनिटरिंग है वो भी परफेक्ट मुझे यहाँ पे देखने को मिली। एंड सबसे अच्छी बात है यहाँ पे जो सिर्फ टेम्परेचर मॉनिटर है ना वो थोड़ा सा मुझे ऊपर नीचे देखने को मिला, बाकी यहाँ पे SpO2 मॉनिटर एंड हार्ट रेट मॉनिटर भी मुझे परफेक्ट लगे। एंड मैं आपको इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप इस वॉच के ऊपर ना ब्लाइंडली फेथ ना करें, अगर आपको एक्चुअल में मेजर करना है तो मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट्स को ही यूज़ करें, बिकॉज ये आपको एक आइडिया तो दे देता है बट 100% एक्यूरेसी यहाँ पे नहीं होती, ऑलमोस्ट 90% के अराउंड एक्यूरेसी आपको यहाँ पे देखने को ज़रूर मिल जाएगी। तो इसके अंदर ना आपको रियलमी फिट की एप्लीकेशन यूज़ करनी होगी इस वॉच को सिंक्रोनाइज करने के लिए। यहाँ पे ना ही रियलमी लिंक और ना ही डिजो की एप्लीकेशन यूज़ होगी, तो रियलमी फिट एक नई एप्लीकेशन आई है जिससे आपकी वॉच जो है सिंक्रोनाइज होगी। एंड इसका जो UI है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेप्स को किस तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है। एंड यहाँ पे सेम आपको हार्ट रेट रिकॉर्डिंग, स्लीप रिकॉर्ड, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर एंड बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्ड भी देखने को मिल जाता है। प्लस यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड है तो आप इसको फोन के साथ ना फोन का GPS यूज कर सकते हैं अगर आपको आउटडोर वर्कआउट करना है, यानी कि वॉकिंग करनी है या फिर रनिंग करनी है। एंड यहाँ पे आपको सेटिंग्स के अंदर डायल सेटिंग्स मिल जाएगी। एंड यहाँ पे जो इसके डायल्स हैं ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे, आपको यहाँ पे 110 प्लस डायल्स मिल जाते हैं एंड एक एक डायल जो है ना एक से बढ़कर एक है। एंड डेफिनेटली मैं इंप्रेस हुआ कि 2000 रुपीज़ में आपको इतने अच्छे अच्छे डायल्स मिल रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो वॉच है ना एक वैल्यू फॉर मनी वॉच है, 2000 रुपीज़ में एक ग्रेट डील है परचेज करने के लिए। बट क्योंकि इसका रेगुलर प्राइस 3000 रुपीज़ हो गया तो उसके अंदर मैं कहूँगा थोड़ा सा ओवर प्राइस है। बट हाँ, आपको Realme के अंदर ना एक चीज़ ज़रूर मिलेगी कि आपको काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी मिलती है जो कि Firebolt या फिर Boat में नहीं मिलती। एंड इसके जो सर्विस सेंटर है वो Firebolt और Boat से ज़्यादा बेटर है, तो आपको वो भी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है Realme के प्रोडक्ट्स लेने के लिए। तो मैं इस वॉच को डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आपको डील के अंदर 2500 के अराउंड में मिलती है ना तो जाके ले लो, काफ़ी अच्छी वॉच है। बट यहाँ पे स्ट्रैप्स को आप ज़रूर चेंज कर लेना अपने अकॉर्डिंग, Amazon से या Flipkart से ऑर्डर कर लेना। वैसे मैंने इस वॉच का बिलिंग जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया, जाके चेकआउट कर लेना अगर आपको ये वॉच लेनी है। तो मेरे हिसाब से मैं इस वॉच को 4.5 स्टार की रेटिंग देना चाहूंगा आउट ऑफ 5 अकॉर्डिंग टू द प्राइस, एंड काफी अच्छी वॉच है। सो गाइस दैट वाज इट फॉर द रिव्यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड यूजफुल लगी होगी। तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना एंड जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज उससे मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है एंड चैनल को ग्रो करने में भी हेल्प होती है। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, अंटिल देन कीप रॉकिंग एंड कीप एंजॉयिंग।